सोलन में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। ऐतिहासिक ठोडो मैदान में पुलिस, होमगार्ड और अन्य टुकड़ियां मार्च पास्ट का आकर्षक बनाने के लिए अभ्यास में जुटी हुई हैं और खूब पसीना बहाया जा रहा है। मार्च पास्ट अच्छी और बेहतरीन हो, इसके लिए DSP योगेश जोशी स्वयं तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड के चलते टुकड़ियां इस बार मार्च पास्ट में कम रहेंगी, लेकिन जो टुकड़ियां मार्च पास्ट में सलामी ले रही हैं उनके जोश में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस धूमधाम से सोलन में मनाया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि इस बार खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। अधिक जानकारी देते हुए DSP योगेश जोशी ने बताया कि कोविड संक्रमण के चलते उस स्तर पर तो गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जाएगा जिस स्तर पर गत वर्षों में मनाया जाता रहा है। इस बार मार्च पास्ट में स्कूल की टुकड़ियां हिस्सा नहीं ले रही हैं, कुछ टुकड़ियों के माध्यम से ही सलामी दी जाएगी, लेकिन उत्साह में कोई कमी ना रह जाए और मार्च पास्ट आकर्षक और बेहतरीन हो, इसके लिए आवश्यक अभ्यास किए जा रहे हैं। ये गणतंत्र दिवस का आयोजन जो है हमेशा की तरह ठोडो ग्राउंड में किया जा रहा है सोलन में, और इसमें हमेशा ही हमारी एक पुरुष की और एक महिला की ये प्लाटून आती है, साथ में एक होमगार्ड के जवान भी आते हैं, तीसरी प्लाटून। कोविड की वजह से स्कूलों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है फिलहाल, और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। संख्या में कोई कमी नहीं है, हाँ हिदायत जरूर दी गई है, और सारे जो है कोविड की वजह से जो है एहतियात बरती जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है।